हेलो, मेरा नाम है ममता ठाकुर और आज हम संस्कृत कौमुदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय की शुरुआत जो है ईश्वर स्तुति से करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया भी है यही मंत्र, हम लोग ईश्वर स्तुति के रूप में आज पढ़ेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है, उनकी स्तुति की गई है कि आप ही, त्वम एव, आप ही मेरे माता हो और आप ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो, रिश्तेदार हो और तुम ही मेरे सखा यानी के मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो। द्रविणम कहा जाता है धन को। त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि हे देवाधिदेव, हे देवों के देव ईश्वर, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, मित्र हो, तुम ही विद्या और धन हो, हे ईश्वर तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो ये तो हुई ईश्वर स्तुति की बात। अब हम लोग स्वर वर्णाह प्रथम अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अ हिंदी का वर्ण है, अ संस्कृत में इससे बंधा है अम्बा, और संस्कृत में अम्बा का अर्थ होता है माता। मैं छोटे अक्षरों में लिख रही हूं, अम्बा यानी के माता। आ आम्रम आम, ई इंदुहु चंद्र, ई ईशह ईश्वर, ऊ उटजह झोपड़ी, ऊ ऊर्मिका, ऊर्मिका कहते हैं अंगूठी को, री रिक्षह, ए एड़का, एड़का कहा जाता है भेड़ को, ऐ ऐरावतः, और ऐरावत जो है इंद्रदेव का हाथी है, यहां पर हम लिख रहे हैं हाथी। ऐ ऐरावतः, ओ ओदनम, ओदनम कहा जाता है पके हुए चावलों को, जो आपके घर पर चावल पकने के बाद तैयार हुआ होता है, जिसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में भात भी कहते हैं, वो ओदनम, भात या चावल। औ औषधः, औषधि या दवा। अं अंशुमान, सूर्य। आह खाली, और यहां पर ल्री, संस्कृत में ल्री वर्ण का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए आपको इसका उच्चारण बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से ही सीखना भी है। और ये आज हमारा अध्याय 1 जो है पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।